अस्सलाम वालेकुम गाइस, समीर सैयद फ्रॉम foonbori.com। भाई सैमसंग A35 5G की तो न्यूज आप लोग को मिली गई होगी हमारे चैनल से, लेकिन आप लोग को एक बात और बता दूं कि भाई सैमसंग A55 5G वेरिएंट भी बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने वाला है और ये भी एक्सपेक्टेड है कि मई के थर्ड वीक में ही लॉन्च हो जाएगा। इस वीडियो में हम उसी पर बात करने वाले हैं, उसके स्पेक्स और उसकी प्राइस पर बात करने वाले हैं। तो भाई चलकर जानते हैं उसके प्राइस और उसके स्पेक्स क्या होने वाले हैं। लेकिन अगर चैनल पे आप लोग न्यू है तो जरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। उसके अलावा हमारी वेबसाइट foonbori.com पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको हर किस्म के मोबाइल फोन्स की डिटेल इजीली मिल जाएंगी। तो भाई सबसे पहले अगर सैमसंग A55 5G वेरिएंट के डिजाइन की बात कर लें तो इसका डिजाइन भी सेम सैमसंग A सीरीज वाला ही होने वाला है, कुछ भी इसमें डिफरेंस हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ये फोन भी हमें प्लास्टिक बॉडी और प्लास्टिक फ्रेम में ही देखने को मिलेगा और उसके अलावा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। बात कर ले अगर डिस्प्ले की तो भाई 6.6 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ और काफी अच्छा डिस्प्ले होगा इसका। कैमरा यहाँ पर हमें बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें 50MP का मेन कैमरा है, उसके अलावा 12MP का अल्ट्रा वाइड और 5MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है। बात कर ले अगर सेल्फी कैमरा की तो यहाँ मैं थोड़ा सा खुश हो गया कि भाई यहाँ पर इन्होंने 32MP का सेल्फी कैमरा दे दिया, क्योंकि A35 में भी 16MP ही एक्सपेक्टेड है और उससे पहले के जो भी ए सीरीज के मोबाइल थे उसमें सेल्फी कैमरा हम लोग को 8MP मिलता था, तो यहाँ पर सेल्फी कैमरा हम लोग को 32MP मिल गया जो कि एक अच्छी बात है और ये चीज मैं वाकई समझता हूँ कि भाई अपग्रेड हो गई है। अब अगर बात कर ले प्रोसेसर की तो भाई एक्साइनस 1480 का 5G चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 5G वेरिएंट चिपसेट है और ये भी एक बहुत अच्छा चिपसेट है, इसमें भी आप अच्छी गेमिंग कर सकते हो और अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह भी देख सकते हो। बात कर ले अगर बैटरी की तो भाई 5000mAh की बैटरी के साथ यहाँ पर 25W का सुपर फास्ट चार्जर दिया है। यहाँ मैं समझता हूँ कि 25W से थोड़ा बढ़ाकर दे देना चाहिए था, एटलीस्ट 33W दे देना चाहिए था, बट एनीवेज ठीक है, यहाँ पर 1.5 आवर तो लेगा आपका फोन कंप्लीट चार्ज होने में। तो भाई इस मॉडल में सिर्फ दो वेरिएंट एक्सपेक्टेड है जो हमें देखने को मिलेंगे, वो है 8128 और एक है 8256GB। तो अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग प्राइस की बात करूँ तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग प्राइस है 1,45,000 और मेरे हिसाब से तो भाई बहुत ज्यादा ही प्राइस है इसकी। आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि आप लोग को प्राइसेस की ओवर लगी या ठीक लगी इसके स्पेक्स को देखते हुए, ये बात आप लोगों ने कमेंट में मुझे जरूर बतानी है, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू प्राइस ज्यादा है और हो सकता है कि जब फोन जब लॉन्च होगा तो एट अ टाइम प्राइस इसके थोड़े कट आउट हो जाए या प्राइस कम हो इसके, बट एनीवेज एट अ टाइम जब लॉन्च होगा तो इस पर भी हम लोग दोबारा डिटेल वीडियो जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोग को पसंद आएगी, मैं वीडियो यहां रोकता हूं, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।